और अब खबर मिल रही है भोपाल से, जहां गोल्ड लोन बैंक में बदमाश घुस गए। हथियारों से लैस थे चारों बदमाश और गोल्ड लोन बैंक में लूट का प्रयास किया है। तो बदमाशों ने लूट की कोशिश की है पिपलानी इलाके में गोल्ड लोन बैंक की। ये घटना बताई जा रही है, हथियारों से लैस चार बदमाश गोल्ड लोन की बैंक में घुसे और लूट करने की कोशिश की। तो पिपलानी इलाके में इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है बदमाशों ने। चारों बदमाश हथियारों से लैस थे, ये बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। चारों बदमाश जो कि हथियारों से लैस थे गोल्ड लोन बैंक में चारों बदमाश घुसे और लूटने की कोशिश की है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौके से संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, गोल्ड लोन बैंक में चारों बदमाशों ने घुसकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, क्या जानकारी, क्या उन बदमाशों की पहचान हो पाई है? देखिए ऋतु, एक बड़ी घटना है, हालांकि उसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जिस तरीके की घटना है, मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। ये फीडबैक जो बैंक है इसका मेन गेट है जहाँ पर बदमाश आए थे, और खासतौर से सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो साक चौबन सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बात करें तो मेन गेट पर ही ताले हैं और खासतौर से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो जैसे ही बदमाश जब हथियारों के साथ बैंक में अंदर जब पहुंचे तो तत्काल ही मैनेजर ने सायरन बजाया और सूझबूझ के परिचय देते हुए उनको भगाया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि जो 23-24 साल के उम्र के लगभग बदमाश बताए जा रहे हैं, चार बदमाश थे जिसमें से एक पिस्टल इनके पास भी थी, वो बरामद कर ली गई। यानी जिस तरीके जब वो छोड़कर यहां से भागे तो एक पिस्टल जो है पुलिस के पास है, और लगभग सीसीटीवी कैमरे के आधार पर माना जा रहा है कि पुलिस को जानकारी है कि वो कौन लड़के हैं, और इसको जल्द ही माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये वो बैंक का मेन गेट है, आप देख सकते हैं ताले लगे हैं और खासतौर से सीसीटीवी कैमरे भी हैं। इनके आधार पर ही पुलिस ने जांच की है और संभवतः माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उन चारों बदमाशों को अपनी चपेट में लेगी। लेकिन बड़ी घटना कि दिन दहाड़े किस तरीके से बेखौफ, पुलिस से बेखौफ होकर बदमाश बैंक पहुंचे थे। गोल्ड लोन बैंक भी है जहां पर गोल्ड लोन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अब ये संभवतः ये माना जाए कि पुलिस देर शाम तक हो सकता है उन अपराधियों को धर दबोचे, क्योंकि उनके पास से जो हुलिया है सीसीटीवी कैमरेज के आधार पर पुलिस के पास जानकारी है, एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो हथियारबंद बदमाश थे चार लड़के बताए जा रहे हैं जो 23-24 साल के हैं, जिस तरीके से पुलिस कह रही है। तो अब देखने होगा कि कब तक वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, पुलिस के शिकंजे में फंसते हैं। बिल्कुल सूरज, क्योंकि जिस तरह से पिपलानी वो इलाका है जो व्यस्ततम इलाकों में से एक, और ऐसे में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश एक बड़ी वारदात है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।